ओनली रेन कैन सेव बांग्लादेश और इंडिया को एट बेस्ट दो सेशन चाहिए ये मैच खत्म करने के लिए, जबकि अभी दो पूरे दिन का खेल बाकी है। लेकिन डे एंड पे जिस तरीके से बादल आ गए और अगले 2 दिन थोड़े बहुत बारिश की प्रडिक्शन है, तो ये स्टेटमेंट सही में सच हो सकती है कि ओनली रेन कैन सेव बांग्लादेश। बट एनीवेज, आज का दिन कंप्लीटली इंडिया के नाम रहा और मैच बांग्लादेश के पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। इंडिया ने 4 विकेट लिए, लेकिन बांग्लादेश की बैटिंग परफॉर्मेंस फर्स्ट इनिंग्स के मुकाबले बहुत अच्छी रही। फर्स्ट इनिंग्स का टोटल वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं विथ ओनली 4 डाउन, और यही कमिटमेंट अगर उन्होंने पहली इनिंग्स में दिखाई होती तो शायद मैच में कुछ जान रहती। बट एनीवेज, 4 विकेट गिर चुके हैं, 158 रन्स हैं और 515 के टोटल से वो बहुत पीछे हैं। स्टार्ट अच्छी रही बांग्लादेश की, दोनों ओपनर जाकिर और शदमान ने अच्छी बैटिंग की और 20 ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरने दिया, और रादर 15 ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरने दिया। स्कोर भी अच्छी रेट पे कर रहे थे, लेकिन 62 के स्कोर पे अगेन जसप्रीत बुमराह, उन्होंने आगे इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलाया, लेकिन इसमें यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच भी पकड़ा गली पोजीशन में, एक लेफ्ट हैंडेड डाइविंग कैच लो टू द ग्राउंड, बहुत बढ़िया कैच था। और उसके बाद अश्विन, जिन्होंने पहली इनिंग्स में एक भी विकेट नहीं लिया था, उन्होंने जबरदस्त स्पेल फेंका और 3 विकेट लिए। ऑफ कोर्स थर्ड फोर्थ डे से स्पिनर्स का रोल बढ़ जाता है, और अश्विन जी ने पहली इनिंग्स में ना तो ज्यादा बॉलिंग मिली, एक्चुअली अपॉर्चुनिटी भी कम ही थी क्योंकि टॉप ऑर्डर को फेस्ट फास्ट बॉलर्स ने ही खत्म कर दिया था। मगर जहां स्पिन को मदद मिलनी शुरू हुई, अश्विन ने आके 3 विकेट लिए। पहले जाकिर एक लूज शॉट खेलते हुए मिड विकेट पे कैच हुए, उसके बाद मोमिनुल हक, एक्स बांग्लादेश कैप्टन, लेकिन मुझे याद नहीं मैं पिछले कितने दिनों से देख रहा हूं और वो हमेशा आउट ऑफ फॉर्म ही रहते हैं। शायद अब बांग्लादेश को सीरियसली उनकी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। फिर से वो एक स्ट्रेट लाइन पे बोल्ड हो गए, और जब कोई बैट्समैन रेगुलरली बोल्ड हो रहा हो, मतलब डेफिनेटली उनकी टेक्निक में बहुत प्रॉब्लम्स है, उन्हें शायद डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए। और इवेंचुअली 5वीं विकेट जो कि बांग्लादेश, चौथी विकेट रादर जो बांग्लादेश अवॉइड कर सकती थी, वो थे मुशफिकुर रहीम, जो सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन है, जिन्होंने एक सिक्स मारा और अगली बॉल पे फिर से चार्ज करके मिड ऑन पे रादर कैच आउट हो गया। केएल राहुल ने अच्छा लो कैच पकड़ा, लेकिन क्या उस शॉट की जरूरत थी? इतने एक्सपीरियंस बैट्समैन है, अभी 191 बनाया, उसमें भी पाकिस्तान ने 400 ऑड बनाए थे और वो बांग्लादेश के लिए टिक के खेले थे और बांग्लादेश को 550 तक ले गए थे। यहाँ 515 मैच विनिंग टोटल है, टाइम इनफ है, पिच भी कोई बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं कर रही, तो क्या जरूरत है चौके छक्के मारने की? आप टिक सकते हो, यू कुड हैव प्लेड इट आउट, लेकिन वो विकेट अनफॉर्चुनेटली एकदम गलत टाइम पे गिरा। शाकिब आए और शाकिब भी उल्टे सीधे शॉट मार रहे थे, मगर फॉर्चुनेटली फॉर बांग्लादेश कुछ 40-45 मिनट बचे थे दिन में, जब काले बादल आ गए एंड इट बिकेम टू डार्क। हालांकि सिराज ने जोकिंगली ऑफ स्पिन बॉलिंग करने के लिए रनअप भी ले लिया था, लेकिन अंपायर अग्री नहीं हुए और बारिश की सिचुएशन बन गई थी। इनफैक्ट अभी लेटेस्ट अपडेट यही है कि वहां थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, अगले 2 दिन थोड़े बहुत बारिश की फोरकास्ट है, मगर आई बिलीव कि इतना टाइम निकल आएगा कि मैच का रिजल्ट आ सके। मगर वही है कि ये मैच अवेयरनेस मुशफिकुर रहीम जैसे बैट्समैन को होनी चाहिए थी। अगर एंड में इवेंचुअली बारिश के कारण काफी टाइम इस मैच से निकल जाता है और बांग्लादेश अगर थोड़े से के लिए हारती है, तो मुशफिकुर रहीम और ये सब जो इस तरीके के लूज शॉट्स खेलते हैं, यही वजह बनती है। मुशफिकुर रहीम अभी एक बड़ा स्कोर बना के आए हैं, 90 और टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, तो ऐसे बैट्समैन को अपने विकेट के ऊपर प्राइस रखनी चाहिए, ना कि ऐसे लूज शॉट्स खेलते हुए आउट होना चाहिए। बट एनीवेज, फॉर इंडिया 3 विकेट मिले हैं अश्विन को, एंड इट्स गुड टू सी अश्विन टेकिंग विकेट्स, क्योंकि पहली इनिंग में वो विकेटलेस थे। एनीवेज, दिन की शुरुआत में मैंने आपको बताया था अपडेट एक दूसरी वीडियो में कि कैसे पंत और शुभमन गिल ने मैच बिल्कुल हाथ से ले लिया। हालांकि 308 की लीड दिन के शुरुआत में ही थी, मगर इट वॉज अबाउट बांग्लादेश फास्ट बॉलर्स इन द फर्स्ट आर, क्योंकि पहले दोनों दिन फास्ट बॉलर्स ने पहले आर में, पहले सेशन में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस की थी, तो बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स यही सोच रहे होंगे कि इंडिया इज 308 अहेड, 3 विकेट्स डाउन, और अगर पहले सेशन में वो 3-4 विकेट ले लेते हैं तो मे बी जस्ट दे कैन स्टॉप इंडिया एट अराउंड 400-420। स्टिल वो बड़ा टोटल होता, लेकिन एटलीस्ट फास्ट बॉलर्स को कुछ प्रैक्टिस होती, उनका कुछ कॉन्फिडेंस आता। लेकिन
यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने पहले ओवर में तो बिल्कुल रिस्क फ्री क्रिकेट खेला, और बाद में ऋषभ पंत जब शॉट्स खेलने लगे तो कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, कुछ फॉल शॉट्स आए ऋषभ पंत के, मगर इट वॉज ऑल फॉर द टीम। ही वॉज प्लेइंग हिज शॉट्स, ही वॉज ट्राइंग टू एक्सेलरेट, क्योंकि इंडिया भी यही चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी वो 500 रन की लीड तक पहुंचे और फिर बांग्लादेश को बैटिंग कराएं। अच्छी पार्टनरशिप लगी दोनों की, दोनों ने 100 कर लिए, विच इज वेरी गुड। सीजन की स्टार्ट हुई है और इंडिया के तीन लोगों ने 100 बना दिया इस गेम में, जडेजा ने भी 86 बना दिया, तो इट्स गुड टू सी। नाउ इट्स अबाउट द सीनियर प्रोज, रोहित शर्मा, विराट कोहली टू स्टेप अप इवेंचुअली एंड ट्राई टू स्कोर बिग इन द सेकेंड टेस्ट मैच। केएल राहुल अनफॉर्चुनेटली काफी लेट आए और उन्हें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं मिल सकी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर इंडिया ये मैच जीत जाती है, या इन केस अगर नहीं भी बारिश भी हो जाती है, तो इंडिया मेरे ख्याल से इस टीम में बैटिंग लाइनअप में तो कोई चेंज नहीं करेगी। द ओनली चेंज आई कैन सी इज मे बी जसप्रीत बुमराह को रेस्ट करा दिया जाए, और शायद अगले पिच पर डिपेंडिंग अगर स्पिनर्स को हेल्प हो तो शायद कुलदीप को टीम में ले आया जाए, मगर मोस्ट प्रोबेबली बुमराह को रेस्ट कराया जाएगा अगले टेस्ट मैच में, क्योंकि इंडिया के पास अभी बड़ा टेस्ट सीजन है और वो बस पहला टेस्ट मैच इंश्योर करना चाहते थे कि बुमराह के रहते हम जीत जाएं। और दूसरे टेस्ट मैच में मेरे ख्याल से कानपुर में आइडियली स्पिनिंग ट्रैक्स होती हैं, वैसे तो चेन्नई में भी होती हैं, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि वहां क्या कंडीशंस होती हैं, मगर अगर शायद फास्ट बॉलर फ्रेंडली भी हो तो यश दयाल को मौका दे दिया जाए, मगर जसप्रीत बुमराह को फ्रेश रखने का ही पर्पस होगा। और मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्हें शायद पहला और तीसरा टेस्ट ही खिलाएंगे, एक टेस्ट मैच में उन्हें वहां भी ब्रेक देंगे। बट एनीवेज ओवरऑल इंडिया डे, एंड मेरे ख्याल से एक सेशन भी काफी हो सकता है, अदरवाइज एट बेस्ट इंडिया को 1.5 से 2 सेशन चाहिए इस मैच को खत्म करने के लिए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।